बाकी भाई ये देखो दोस्तों, इनकी भी अपडेट दूं, इसका भी मुंह सेट हो गया, इसका फिर भी नीचे से जो है ना ये जगह, ये काफी ज्यादा हो गई थी खराब। याद है तुम लोगों को, यार इस पिंजरे के अंदर दो कबूतर थे जिन्होंने हमारा फर्स्ट बच्चा, हमारा फर्स्ट बच्चा निकाला था ना चूजे का। तो यार काफी दिन हो गए और मैंने तुम लोगों को बोला था कि हम जो है वो बजीज के बच्चे देखेंगे बाहर आई या नहीं। सबसे मुश्किल मरहला होता मेरे लिए अपने पेट हाउस सेटअप पे इसको बंद करने का। चलो भाई आ जाओ तुम दोनों। वो चलो भाई, टाइगर को खोल दिया भाई हमने। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज ना थोड़ी एनर्जी डाउन है क्योंकि मुझे शदीद किस्म का नज़ला हो रहा है। मैं छींकों पे छींके मारे जा रहा हूँ, अभी भी छत पे जैसे ही आया ना मैं तो छींके मेरी ना रुकी नहीं रही हैं। खैर से हमदा किस किस को खिलाया अभी? सिर्फ उसी को, बच्चे को। तो भाई हमदा ने ब्राउनी को खिला दिया और उसका पेटा माशाल्लाह यहाँ से ही दिख रहा है, फुल हुआ है भाई ब्राउनी। तो हमदा ये ऐसा नहीं लगता शुतुरमुर्ग के कलर का है ना यार, इसका कलर जो है ना ऐसा लगता है शुतुरमुर्ग नहीं होता। आप लोग खुद गौर से देखो, ब्राउनी इधर आ, ये देखो ऐसा लगता है शुतुरमुर्ग का बच्चा पाला हुआ हमने, ये देखें बिल्कुल सेम एज इट इज लगता है। लेकिन माशाल्लाह यार ब्राउनी काफी बड़ा हो चुका है और तुम्हें पता है दो की लड़ाई हुई है, हमारी मुंह दिख गया ना। तो यार ऐसी गंदी लड़ाई हुई थी, हमदा ना उस वक्त ऑफिस में था तो ये आया तो इसको शायद भाई भाई ने बताया होगा, मैंने तो नहीं बताया था। बाकी भाई ये देखो दोस्तों, इनकी भी अपडेट दूं, इसका भी मुंह सेट हो गया, इसका फिर भी नीचे से जो है ना ये जगह, ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ख़राब, पर अब देखो सेट हो गई। और इसका फेस भी देखो, उस दिन कैसा लाल हो रहा था बिल्कुल, लेकिन अब जो है सेट हो गया, ऊपर जो इसके खुरंडे आ रहे हैं ये देखो, अब माशाल्लाह सेट हो गया ये तो, शुक्र है भाई। तो यार आज हमज़ा भी है दोस्तों, तो मैं एक चीज़ तुम लोगों को बताता चलूँ कि हमज़ा ने बड़े तरीके से क्या खैर वो चीज़ करनी थी हमने, क्योंकि यार उनकी ना हमारे पास रखे हुए टाइम बहुत हो गया था और एज भी बढ़ती जा रही थी, तो वो चीज़ जो है वो थी हमारे पास। याद है तुम लोगों को, यार इस पिंजरे के अंदर दो कबूतर थे जिन्होंने हमारा फर्स्ट बच्चा, हमारा फर्स्ट बच्चा निकाला था ना चूजे का फर्स्ट बच्चा निकाला था। और ब्राउनी था वो? नहीं यार, उससे पहले का मर गया था, उससे पहले बफ का बच्चा निकाला था उन्होंने भी, और सेम एज इट इज ब्लैक बच्चा निकला था जो कि बेचारा यार पानी में डूब के इस कटोरी में मर गया था, क्योंकि और वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने उसको निकाला नहीं था यार। हमने सोचा कि ये लोग शायद इसको हीट अप देंगे और सही रहेगा इसके लिए, लेकिन हम ये भूल गए कि यार हमें पानी की उस वक्त निकाल लेनी चाहिए थी, पर इस मरतबा हमने काफ़ी केयर करी है भाई। तो दोस्तों वो जो था ना वो सेल आउट कर दिया है हमज़ा ने, ये खाली पड़ा है अब मकान उनका भाई। तो वो हमज़ा ने किसको सेल आउट करा है पता नहीं, किसी जानने वाले को करा, वैसे ही रैंडम बंदे को किसी को सेल आउट करा था, क्योंकि हमज़ा बोल रहा था यार वो भी ना अब मतलब उनकी वो मुद्दत नहीं रही थी, और ये बता के ही हमज़ा ने उनको दिया। उन्होंने बोला भाई हमारे पास तो बहुत सारे हैं, हम इनको भी उन्हीं में छोड़ देंगे। तो खैर से भाई वाला जोड़ा गया, और अब जो मेरा दूसरा टारगेट है ना वो ये दोनों हैं यार, क्योंकि ये दोनों यार अंडे नहीं दे रहे कब से, और हमज़ा मेरे पीछे लगा पड़ा है कि तुम कब से बोल रहा हूँ जुम्मा या इतवार को लगती है मार्केट, जाओ इन्हें सेल आउट कर दो। पर यार मैं अकेला नहीं जाना चाह रहा, कोई साथ होता नहीं है, तो अब देखता हूँ अगर इस जुम्मे हुआ या इतवार अभी है परसों, तो देखते हैं यार हो सकता है मार्केट चलते हैं हम इनको सेल आउट करके और कुछ और लेकर आते हैं। बहुत यार ठंडा मौसम रह रहा है हमारे पेट हाउस पे, तो कोई ना कोई चीज़ लेकर आते हैं। तो यार काफ़ी दिन हो गए और मैंने तुम लोगों को बोला था कि हम जो हैं वो बजीज के बच्चे देखेंगे बाहर आई या नहीं। तो भाई फाइनली बजीज के बच्चे बाहर आ चुके हैं। हाँ भाई ये तकरीबन ना इनको आए हुए भी 2 दिन हो गए हैं, मैंने अब नोटिस करा है, वो भी आज हमदा ने नोटिस कराया मुझे कि तुमने देखे ही नहीं है। मैंने बोला यार मुझे तो दिखाने थे, बोला देखो ना वो रहे, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। हमदा इधर आना, कहाँ पर हो? इधर आना हमसा आ जाए, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि कौन से बच्चे हैं और किस कलर के हैं। यार ये तो बताओ इसके बच्चे कौन कौन से हैं, तो देखे तो थे मैंने, यही लग रहे हैं मुझे तो दोनों, यही ना नीचे वाला। दोस्तों ये देखें भाई, शुक्र है कि हमारे सामने ही नजर आ गई है। ये देखें भाई, एक ये बैठा हुआ, ये उड़ के जाके ऊपर बैठ गया, और एक ये रे छोटे मियाँ, ये देखें भाई, हाँ भाई एक ये बैठा हुआ, तो दोनों ग्रीन कलर के निकले हैं। और हमदा नर है मादा है? अभी तो टाइम है ना, हाँ अभी इतने बड़े नहीं हुए यार, पर भाई बहुत प्यारे हैं यार और अच्छे खासे बड़े हो गए हैं यार, साइज तो देखो इनके माशाल्लाह से इंक्रीज कर लिया इन्होंने, और इसको तो भाई डर ही नहीं लग रहा मेरे से, देखो यार कितना करीब बैठा हुआ हूँ मैं ये दोनों के दोनों। तो भाई एक ये रहा और एक जो है वो रहा, वो बैठा हुआ ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, तो तुम लोगों को दोनों मैंने दिखा दिए, मैंने बोला था दिखाऊंगा और आज मैंने तुम लोगों को दोनों दिखा दिए, और हमारे फाइनली बच्चा बाहर आ गया है भाई। खुशी हुई यार इनको देख के कि हमारे पास कोई चीज़ तो आई इतने टाइम बाद। तो यार हमारा जो सेपराइट था दोस्तों
वो यार कहीं भी नहीं गया है सेटअप पर, ये हमने सिर्फ उसकी जगह बदली है, उसकी जगह बदल के हमने उसको जो रखा है वो अभी फिलहाल ये रहा सेब्राइट हमारा। इसको हम इसलिए लाए यार यहाँ पे क्योंकि उस तरफ ना शदीद किस्म की धूप आ रही थी, सुबह में हमने नोटिस करा इस तरफ से आ रही होती है धूप, जब इस तरफ से निकलता ना सूरज तो इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ता बेचारे पे, तो यार बहुत मतलब गर्मी में था। और ये भी हमजा ने नोटिस करा, बोला यार मैं जा रहा होता हूँ सुबह तो मैंने नोटिस करा कि इस पर गर्मी पड़ रही है काफ़ी शदीद किस्म की, तो उसने बोला कि इसको आज यहाँ निकाल के कर देते हैं। तो मैंने बोला सही है यार, वैसे भी हमारे पास जगह खाली पड़ी हुई है और अब ये भी जगह खाली हो गई, तो खैर से हमें कुछ लाना है और कुछ चीज़ें जो हैं हमें बेचनी है, जैसे कि कॉकटेल हमारा और एक ये वाला जोड़ा, और हो सकता है कि हम कबूतरों में ये वाला जोड़ा भी सेल आउट कर दें दोस्तों, और जो है ना नए जोड़े लेकर आए नए सेटअप के लिए। तो यार हमजा जो है ना वो दोस्तों अभी बोल रहा है कि मैं जो हूँ ये पकड़ूंगा सुल्तान, और अत्थर भाई ने उसको बोला है कि पकड़ के ज़रा उठाओ इसको। भाई मैं तो नहीं उठा रहा, मैं बहुत मरता हुआ पिट चुका हूँ इससे, अब देखते हैं हमजा अगर उठा सके। ना ना ना, ये देखिए देखिए देख, पैर आगे करो, देखना लड़ेगा तुमसे। आ रहा जा जा, पकड़ लो, नहीं पकड़ रहे यार। भाई नहीं आया इसके हाथ में, मैं बोल रहा हूँ ना जान निकले, डर रहे हैं ये भाई साहब, डर रहे हैं, नहीं पकड़ सकता मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों। अगर इसकी अभी घूमी हुई नहीं है, अभी खाना खा रहा है ना ये, और साथ में ये भी है मुर्गी, इस वजह से अभी कुछ इतना नहीं कह रहा, वरना पहले जिस तरीके से था ना ये नहीं पकड़ सकता। अब बहाने बनाने बंद कर दो, तुम्हारे हाथ ही नहीं आ रहा है वहाँ, डालो हाथ, डालो डाल ना डाल। अत्तर भाई फजूल की बातें, मैं पकड़ लूंगा, मैं ये कर दूंगा, नहीं पकड़ सकता भाई यार, काट रहा है सीधा सीधा, इसकी हालत देखो ना यार, खुर देखो, इसके खुर भी बड़े हैं दोस्तों, तो ये मारेगा ना बड़ा गंदा लगेगा, और मुझे भी इस चीज़ पर डर लगता है इसके साथ वीडियो बनाते हुए कि अचानक हमला ना कर दे, और मुर्गा है भाई मार देगा तो बहुत गंदी लगेगी। तो यार मगरिब की अजानें शुरू हो गई हैं, तुम लोगों को आ रही होगी पीछे से, तो ये देखो यार मैं करता हूँ ना, मैं कितनी जल्दी फारिग कर देता हूँ मैं मगरिब से पहले पहले, और ये जो है ना सुस्त है भाई बहुत, ये देखो, और इसके बाद खाना भी खत्म हो गया इनके पास यार, ये इसमें नहीं खाएंगे, गिरा देंगे सारा, फेंक देंगे भाई, छोटा है इसमें फेंक चुके हैं, बहुत ज्यादा दाया कर देंगे, सारा फेंक देंगे, तुम रखो उस पे रखते ही फेंक देंगे, मानेगा नहीं भाई यार, ये बात नहीं मानता। अब ये देखो यार हल्का है ना वो, अरे यार चलो खैर है। बाकी यार इन सबको अब सिर्फ हमने पानी पिलाना है, मैं सिर्फ ना सुल्तान की ऐसे परेशान हो रहा हूँ, उधर जा नहीं पा रहा, वरना इनके प्याले निकाल के इन लोगों में अंदर ही पानी डाल दूँ, पर सुल्तान जो है ना वो इधर ही खड़ा हुआ है, और इस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। चलो यार बंद कर दो सुल्तान को, हो गया इन्होंने खा लिया दोनों ने। चलो चलो चलो, ओए भाई शुक्र है बंद कर लिया मैंने सुकून से। सबसे मुश्किल मरहला होता मेरे लिए अपने पेट हाउस सेटअप पे इसको बंद करने का, ये देखो यार किस तरीके से हमला कर रहा है ये भाई, बिल्कुल ही बिल्कुल हाफ होते हैं या फुल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। भाई अभी भी खाने में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हो? ये देखो भाई एक बच्चा यार ये बैठा हुआ, देख लिया तुम लोगों ने, सामने से दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये बैठा हुआ ये देखो।